जरूर सुना होगा कि पाकिस्तानी चंद हजार डॉलर्स में अपनी मां भी बेच सकते हैं। यह जुमला एक अमरीकी अफसर ने कहा था। गली गली ये शोर मच गया कि आखिर हमें अमरीका ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों आपने वो वाकया तो सुना होगा कि रेमंड डेविस नामी एक अमरीकी शहरी ने पाकिस्तान में गोलियां मारकर हमारे कुछ शहरियों को मार दिया था और उसे गिरफ्तार किया गया। उसने इकबाले जुर्म भी कर लिया था लेकिन उसे सजाए मौत दूर की बात है बल्कि खसूसी परवाज से अमरीका भिजवा दिया गया था और उन जाँबहक होने वालों के अहले खाना को ब्लड मनी यानी खून का मुआवजा दिला दिया गया। इसी तरह एक अमरीकी ने हमारे पाकिस्तानी को गाड़ी से कुचल दिया था, गिरफ्तार हुआ और फिर शाही अंदाज में उसे भी खसूसी तैयारे में अमरीकी आकर ले गए थे। उस जाँबहक होने वाले के वालिद ने बहुत मिन्नत समाजत की थी कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, उस अमरीकी का नाम ECL में डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था और उनका मुंह भी बंद कर दिया गया था। लेकिन जब एक पाकिस्तानी शहरी ने अमरीकी दो शहरियों को मार दिया और पाकिस्तान आ गया तो अमरीकियों ने पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन किया और उस पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके अमरीका ले गए। उस पाकिस्तानी शहरी को ट्रायल के दौरान इकबाले जुर्म करना पड़ा और उसे सजाए मौत देकर पाकिस्तान उसकी लाश भेज दी गई थी। उस पाकिस्तानी शहरी का नाम था एमल कांसी और उस वक्त के वजीर आजम जिन्होंने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी उनका नाम नवाज शरीफ है। दोस्तों इसके बाद एक और वाकया आपको याद होगा कि जिसमें हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान ने पकड़ा। जब उस जासूस ने इकबाले जुर्म किया और उसे सजाए मौत देने पर जोर दिया गया तो हिंदुस्तान की तरफ से एक चाल चली गई। हिंदुस्तान ने आलमी अदालत में रिट दायर कर दी कि आलमी अदालत इस केस का फैसला करे। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम भी नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ के पास इख्तियार था कि वो चाहें तो आलमी अदालत में केस का फैसला करवाएं और अगर ना चाहें तो पाकिस्तान पर किसी किस्म का दबाव नहीं आएगा और पाकिस्तान की अदालत अपनी मर्जी से उस केस का फैसला कर सकेगी। लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आलमी अदालत का नोटिस कबूल करते हुए फैसला आलमी अदालत पर छोड़ दिया और उसके कुछ दिन बाद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार कर लिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्द भेजता है। इस बात को सबूत के तौर पर हिंदुस्तानी वकील ने आलमी अदालत में पेश कर दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इकरार कर रहे हैं कि उनके मुल्क से दहशतगर्द हिंदुस्तान जाते हैं, जिसके जवाब में हमारा आदमी भी पाकिस्तान गया। वो केस कमजोर हो गया और केस आज भी इल्तवा का शिकार है और कुलभूषण को पाकिस्तान चाहकर भी तब तक फांसी नहीं दे सकता जब तक आलमी अदालत उसका फैसला ना सुना दे। तो दोस्तों जिन दो अमरीकियों ने हमारे शहरी मार दिए उन्हें भी हमने जाने दिया और जो जासूस हमने पकड़ा उसका केस भी आलमी अदालत को दे दिया और जिस पाकिस्तानी ने दो अमरीकियों को मारा था उसे भी हमने खुद ढूंढकर अमरीका को सौंप दिया। और ये सब हमने मुफ्त में तो नहीं किया, हमने डॉलर्स के बदले ही सब कुछ किया, बार बार किया, 2018 तक करते आए। मुख्तसर ये कि 90 की दिहाई से लेकर बाकायदा तौर पर अमेरिका, हिंदुस्तान और यूरोप ने पाकिस्तान को एक भूखा, लालची और बेगैरत कौम का मुल्क समझ लिया था जो हर बात पर सिर्फ जी हजूर ही बोलते थे, चलती फिरती मुतहर्रक लाशों का मुल्क बन चुका था। और इसी वजह से उस अमरीकी वकील ने यह जुमला कहा था कि पाकिस्तानी चंद हजार डॉलर्स के लिए अपनी मां तक बेच सकते हैं। तो मेरा ज़ाती नज़रिया यही है दोस्तों कि शायद 90 की दिहाई में पाकिस्तान को सिफारती महाज पर इतना बदनाम होते देखकर और ये मां तक को बेच देने वाले जुमले ने ही इमरान खान जैसे कामयाब तरीन स्पोर्ट्समैन, अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन बीवी बच्चों के होते हुए लंदन की आरामदेह जिंदगी छोड़कर सियासत में आने पर मजबूर किया कि वो इंग्लैंड छोड़कर पाकिस्तान आ गया ताकि एक दिन वजीर आजम बने और इन अमरीकियों को, इन यूरोपियन को ये कह सके कि जाओ, नहीं चाहिए तेरे डॉलर्स, नहीं चाहिए तेरी गुलामी, हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद कौम हैं। वो शख्स इमरान खान पाकिस्तान आया, उसने 22 साल तक कोशिश की, हर बार हारता रहा लेकिन हिम्मत रखी और फिर 2018 में उसे मौका मिला कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। तब से लेकर वो सिर्फ एक बात पर जोर दे रहा है, आज़ाद मुल्क, खुद मुख्तार मुल्क, आज़ाद कौम, गुलामी से निकलो, फिर नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट और डीप पॉकेट्स जैसे बहुत सारे जुमले, बहुत सारे अल्फाज पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को सुनने को मिल रहे हैं जो कभी शायद पूरी दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान भी कभी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेगा। तो दोस्तों उस इमरान खान का ख्वाब तो अल्लाह ने पूरा कर दिया है लेकिन हम अब भी वहीं खड़े हैं। हम में से आज भी कुछ लोगों में ये जज्बा बाकी है कि चंद हजार डॉलर्स में अपनी माँ तक बेच दें। अल्लाह करे कि
पेट से सोचने वाले मेरे तमाम पाकिस्तानी गैरत की रोटी खाना शुरू करते हैं, जो रूखी सूखी तो हो सकती है लेकिन बेगैरती की नहीं होती। पाकिस्तान इंशाल्लाह ता कयामत जिंदाबाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।